हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सर्जरी के बारे में कि कितनी प्रकार की सर्जरी होती है, टाइप्स ऑफ सर्जरी, कौन कौन सी सर्जरी करते हैं। एक्चुअली सर्जरी क्यों करते हैं? सर्जरी करते हैं हमारे बॉडी को किसके लिए? कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब बॉडी को जो है बनाने के लिए, या फिर दोबारा अगर किसी बॉडी को जो है नॉर्मलिटी हुई है तो उसको दोबारा उसके वापस में लाने के लिए करते हैं। तो सर्जरी बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्जरी, सर्जरी के कितने प्रकार होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्जरी की, फर्स्ट टाइप की, उसको क्या बोलते हैं। मेनली सर्जरी कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? फाइव टाइप की सर्जरी होती है। पहला सर्जरी कौन सी होती है? इमरजेंट। क्या बोलते हैं इसको? इमरजेंट। इमरजेंट मतलब क्या हो गया? इमरजेंट का मतलब या तो हो गया कि इमीडिएट, ठीक है। हमको जो है वैसे पेशेंट का जो है, ऐसे जो पर्सन है जिसको तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है, बिना किसी टाइम डिले किए हुए, बिना किसी टाइम डिले किए हुए, मतलब अगर सर्जरी नहीं करेंगे तुरंत तो उसकी क्या, उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो हमें इमीडिएट सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है उसका लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है, उसकी वजह से अगर नहीं करे, टाइम डिले कर दिए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जिस एग्जाम्पल में क्या होगा, किसी का सीवरे ब्लीडिंग हो रहा है उसको करना पड़ेगा, फ्रैक्चर इस फ्रैक्चर का सर का जो है स्कल का फ्रैक्चर हो जाए उसको करना पड़ेगा, या फिर किसी को गन शॉट हो गया, किसी को गोली मार दी गई है, तो इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, उसकी वजह से क्या होगा, उसको इमरजेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? इमरजेंट सर्जरी में। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो एक्सटेंसिवली बर्न हो गया है, 70-90% तक जो है, 80-90% जो है बर्न हो गया है, तो उसको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं? इमरजेंट सर्जरी बोलते हैं। सेकेंड सर्जरी क्या होता है? अर्जेंट सर्जरी। अर्जेंट सर्जरी इसको बोलते हैं जिसमें कि उसमें भी इमरजेंसी है, अर्जेंट है, लेकिन इसमें कुछ डिले कर सकते हैं, जैसे कि 24 से 30 आवर्स के बीच में हम इसको कर सकते हैं, मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं कि इसको विद इन 24 आवर्स इसको सर्जरी कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा डिले किए तो क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो अर्जेंट सर्जरी में क्या आता है कि किस पेशेंट की जो है सर्जरी विद इन 24 से 30 आवर्स के बीच में कर देनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही इसमें क्या होता है, लेकिन सर्जरी जो करते हैं उससे 24 और 30 आवर्स बीच में जो है उसको हमको प्रॉपर अटेंशन देना है, ताकि पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन और हेल्थ बिगड़ ना जाए, ठीक है। उसको हमको प्रॉपरली क्लोज मॉनिटरिंग में रखना है। एग्जांपल में क्या होता है, जान लो किसी का एक्यूट किडनी ब्लडर इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लडर का एक्यूट इन्फेक्शन है तो कर सकते हैं, इन्फेक्शन करना पड़ेगा 24 टू 30 आवर्स में, या फिर किडनी का या यूरेथ्रल स्टोन होता है तो हमको 24 से 30 आवर्स के बीच में कर सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? अर्जेंट बोल सकते हैं। अब तीसरा बात करते हैं हमारा क्या, रिक्वायर्ड, मतलब कि रिक्वायर्ड की, मतलब रिक्वायर्ड क्या है, इसके नाम में रिक्वायर्ड आ रहा है, मतलब कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है, उसको सर्जरी की ज़रूरत है, कब तक? उसको एक मंथ के अंदर तक उसको सर्जरी करवा लेनी ही चाहिए, ठीक है। कर मतलब क्या है, उसको एक वीक से लेकर वन मंथ तक जो है उसको सर्जरी करवा लेनी चाहिए, मतलब सर्जरी जो होती है उसकी 1 वीक से लेकर 1 मंथ के बीच में हो जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिले करेगा तो वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, और इमरजेंसी कंडीशन कॉज हो सकती है। एग्जांपल में क्या, थायराइड डिसऑर्डर हो गया, कैटरेक्ट सर्जरी हो गई, प्रोस्टेट का हाइपरप्लेसिया हो गया, तो भी करनी पड़ती है। एक होता है फोर्थ नंबर हमारी, कौन सी? तो इलेक्टिव सर्जरी। इसमें क्या होता है, पेशेंट शुड हैव सर्जरी विदाउट एनी डाउट, मतलब जो है इसमें पेशेंट को जो है सर्जरी करनी चाहिए, मतलब इलेक्टिव उसको क्या हुआ कि अब उसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट लग रही है, ठीक है, उसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट लग रही है कि अब उसको सर्जरी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, इलेक्टिव है। जैसे एग्जांपल में क्या, अब सर्जरी उसके ऊपर कब करवा सकता है, जैसे कि अगर हर्निया का ऑपरेशन कराते हैं, ठीक है, या फिर स्कार का रिपेयरिंग करवाते हैं, रिपेयर कराते हैं उसका हो गया, या फिर जंगल का रिपेयरिंग करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इलेक्टिव होता है, मतलब कि सर्जरी की ज़रूरत होती है लेकिन अब करवा सकते हैं, अगर मन नहीं करवाएंगे तो भी आएंगे तो नहीं करवा सकते हैं, अगर करवाने का मन नहीं है तो भी कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। और लास्ट टाइप हमारा क्या, ऑप्शनल। ऑप्शनल सर्जरी क्या होती है कि इसमें जो होता है ये सब पेशेंट के ऊपर या पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हीरो एक्ट्रेस होती हैं, हीरोइन होती हैं, ये करती हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी कराती हैं, आई का, नोज का, ताकि जो है वो अच्छा लुक वाइज दिखे, वो अच्छा लुक दिखने के लिए कराती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ऑप्शनल सर्जरी बोलते हैं। टोटल मिला के हम कितनी सर्जरी पड़ी, 5 सर्जरी पड़ी, जो कि नर्सिंग में 5 सर्जरी सिर्फ होती है। पहला नर्सिंग में क्या, ऑल ओवर जो है इसी के अंडर जो है सारी सर्जरी को हम इंक्लूड करते हैं। पहला अर्जेंट सर्जरी, जो कि तुरंत सर्जरी करना है विथ इन जो है
1 आवर्स के बीच में करना है उसका, ठीक है। इमरजेंसी सर्जरी जिसको जो है इमरजेंसी कंडीशन है उसको 24 आवर्स में करना ही करना है, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या था, रिक्वायर्ड सर्जरी, कि उसके पेशेंट को सर्जरी का रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं किया तो उसको डिजीज कंडीशन हो सकती है, उसको 1 महीने में या 1 हफ्ते के भी, 1 महीने से एक 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 हफ्ते से लेकर 1 महीने के बीच में करवा देनी चाहिए। और इलेक्टिव सर्जरी क्या है कि उसमें पेशेंट को जो है किसी भी डाउट के बिना बिना हेजिटेशन के उसको सर्जरी करवानी चाहिए, जैसे हर्निया का हो गया, जनरल रिपेयर हो गया, हर्निया का हो गया, जनरल रिपेयर हो गया। और लास्ट में क्या ऑप्शनल, तुम करवाओ या ना करवाओ, इसके ऊपर तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।